चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करें ओसवाल ग्रीन टिच यानी बिंडाल्को के बारे में। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बैलेंस शीट में माप बदलाव, रातों रात सब कुछ बदल गया, शेयर होल्डर पैटर्न में माप बदलाव। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में ओसवाल ग्रीन टिच का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपके पास में ओसवाल ग्रीन टिच है तो इसका देखो 52.36 रुपए से गिरा है और 26 रुपए पर है। किसी में ओसवाल ग्रीन टिच नाम से, किसी में बिंडाल्को नाम से ये शो होता है। एडवांस की चार्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। एडवांस चार्ट क्या बोल रहा है, देखो ये शेयर है जो डिविडेंड भी देता था कोई ज़माने में, और यहाँ पर देखो ऊपर जाता है नीचे गिरता है, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर नीचे। अब ये कभी भी तूफानी तेजी इसमें आ जाएगी। सपोर्ट देख लेते एक बार, 26.07 रुपये का है, 25.83 रुपये का है, 25.47 रुपये का है। इस शेयर ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था, बस घुमा रहा है पिछले 6 महीने से। और जितना भी यूनिट आ रहा है ना, 90% माल लोग घर पर भी लेके जा रहे हैं। अब इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्या निकल के आई है दोस्तों, देखो 64% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास में है। तो इस सितंबर क्वार्टर में देखो पहले शेयर होल्डर पैटर्न देखो 64.33 था, अब की बात 64.34 यानी प्रमोटर ने ओल माल उठाया है। दूसरी बात, एफआई वालों के पास में 4.98 थी, अब 5.5 कर ली। मतलब प्रमोटर ने माल उठाया, एफआई वालों ने माल उठाया, तो बहुत अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। कंपनी देखो 675 करोड़ की कंपनी है, 7 करोड़ का डेप्ट है, बट 2,277 करोड़ रुपए केस पड़ा है कंपनी में। माई गोड, अपने मार्केट कैप से भी 10 गुना ज़्यादा तो केस पड़ा हुआ है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, प्रमोटर के पास में दबा के माल है। डी आई वाले नामात्र के, एफ आई वाले नामात्र के, वॉल्यूम भी हो रहा है। अर्निंग पर सिर्फ 1.86 रुपये है। करंट एसेट है 463 करोड़ का, लाइब्रिटीज है 35 करोड़ की। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। देखो क्वार्टर सेल्स 41% है, सेल्स ग्रोथ है 52% है। बुक वैल्यू इसकी 96.97 रुपये, करंट प्राइस है 26 रुपये। अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। केस देखो कंपनी में कितना केस, कंपनी में 2,227 करोड़ रुपए तो केस पड़ा हुआ है। इसलिए तो डिविडेंड देती है हर साल, 5.70% का डिविडेंड दे देती है। और यहाँ पर बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, फेस वैल्यू 10 रुपये आज तक स्प्लिट नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले ये देखना भी ज़रूरी है कि इस क्वार्टर में देखो यहाँ पर एफआई वालों ने माल उठाया है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास में भी माल है, प्रमोटर ने भी माल उठाया है, तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपके पास में ये स्टॉक है तो मैं जरूर कहूँगा टाइटली होल्ड कर लो भाई। पूरा माल प्रमोटर, देखो रेवेन्यू देख लो, 20, 21, 18, 19, 24 यानी कि आज तक का सारा रिकॉर्ड, 24 करोड़ का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। प्रमोटर हर क्वार्टर हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, और यहाँ पर ये स्टॉक है आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और काफ़ी टाइम से ये शेयर है जो साइडवे जोन हो रहा है, लॉन्ग टाइम का नज़रिया रखो, बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे देगी कंपनी। 500+ की कंपनी है, आपको यहीं पर मिल रही है। देखो यहाँ पर 17-18 पर जब साइडवे जोन हो रहा था, उसी जोन में आज ये आपको मिल रही है। 500+ का स्टॉक है, तो आप है टाइटली होल्ड कर सकते हो, हर गिरावट में खरीद सकते हो, क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, पीछे के वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू।